नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टूगेदर। कितने वेज में हम इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं सो दैट ऑल द एस आर टूगेदर। तो पहले तो आप ये देखो यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अगर मैं यहाँ एक बॉक्स बनाता हूँ, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हो गया आपका, ठीक है। अब कंडीशन क्या रखी गई है आपके साथ, दैट फोर ऑल द एस आर टूगेदर, 1, 2, 3, 4। कैन आई से दैट ये आपका एक ब्लॉक बन गया। अब ये अगर आपका एक ब्लॉक बन गया तो आप कितने पोजीशंस हो गई हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10P। अब देखो एस तो यहां आ गया आपका, अब ए कितनी बार आ रहा है आपका, 10 पोजीशन पे। मैं कहने से 10P 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सारे 10 पोजीशन पे रोटेट करेंगे, 10P 10 डिवाइडेड बाय ए कितनी बार आ रहा है आपका, 2 बार, 2 फैक्टोरियल। फिर आपका आई कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। सर ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, यस 3 फैक्टोरियल। आई 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। एंड देन इज देयर एनीथिंग, एन 2 टाइम्स। इज इट क्लियर, दिस शुड बी द आंसर। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर, यू कैन सी दैट असैसिनेशन, टोटल नंबर ऑफ लेटर दैट इज 13। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर, ये है 13। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 13। इट इंक्लूड 4S, 3A, 2I, 2I। कंसीडर 4S एज वन ब्लॉक, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 10P 10, 3A दैट इज 3 फैक्टोरियल, 2i 2 factorial 2n 2 factorial। अब ये देखो आपकी मर्जी है, सेम अल्फाबेट है, इनटू में अगर आप जो नॉर्मली हम करते हैं 4s 4 पोजीशन पर रोटेट होंगे तो 4p 4, फिर सेम अल्फाबेट है दैट इज डिवाइडेड बाय 4 factorial। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं भी लिखो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बाकी एक हैबिट वाली बात होती है, सेम वैल्यू पर क्या होगा, 10 factorial, 3 factorial 2 factorial। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, मैं अब आपको टाइम नहीं खराब करूंगा, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ मेक अ नोट ऑफ दिस सॉल्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसलिनियस एग्जांपल्स। एग्जाम में बहुत बार आ भी चुके हैं और बहुत एक्सपेक्टेड भी रहते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स मैं, सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स में आप लोग भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 vowels and 2 consonants कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन वॉल्यूट। आपको एक लेटर दिया गया है दैट इज इन वॉल्यूट, आपको क्या कहा जा रहा है, 3 vowels and 2 consonants को साथ में रख के, यानी कि इस वर्ड में से 3 vowels and 2 consonants को साथ में रख के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, ओके। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं यहाँ पे, एन बी एल और टी। वोवल्स कितने हैं यहाँ पर, आई ओ
बी और ई, ये आपके पास कॉन्सोनेंट्स है। तो थ्री आपके पास सॉरी थ्री वॉवल्स हैं आपके पास, आई ओ ई थ्री वॉवल्स हैं, आई ओ ई ये एरर है, आई ओ ई थ्री वॉवल्स हैं और फोर कॉन्सोनेंट्स हैं, वन टू। अब है क्या, थ्री वॉवल्स है आई ओ यू, एक यू भी है भाई, एरर है, ठीक है, ये यू है। काफी दिन हो गए ना एबीसीडी पढ़े हुए, तो फिर थोड़ा वो यू का वी बन गया, ठीक है, आई ओ यू ई, टोटल फोर वोवल्स है और टोटल फोर क्या है कॉन्सोनेंट्स है, पहले बताओ ये बात क्लियर है, फोर कॉन्सोनेंट्स है इसमें और फोर वोवल्स है। फिर जो हमें वर्ड बनाना है उसमें उसमें कितने कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, दैट इज टू, और कितने वोवल्स होने चाहिए, थ्री। तो कैन आई से दैट फोर कॉन्सोनेंट में से मैं टू कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करूंगा, दैट इज फोर सी टू, और फोर वोवल्स में से मैं थ्री वोवल्स सिलेक्ट करूंगा, दैट इज फोर सी थ्री, पहले बताओ ये क्लियर है, राइट। तो स्टेप वन, सिलेक्टेड टू कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम फोर, दैट इज फोर सी टू, सिलेक्टेड थ्री वोवल्स फ्रॉम फोर वोवल्स, आउट ऑफ फोर वोवल्स, दैट इज फोर सी थ्री। अब ये देखो कि ये जो थ्री वोवल्स है और टू कॉन्सोनेंट्स है, टोटल कितने हो गए, फाइव लेटर्स, ये भी तो आगे पीछे अरेंज होंगे, अरेंज इनको भी तो अरेंज करेंगे हम, दैट इज फाइव पी फाइव। तो कैन आई से दैट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर सी थ्री इंटू फोर सी टू इंटू फाइव पी फाइव, ये आपका कंसेप्ट है, पहले बताओ ये क्लियर हुआ, इज इट क्लियर, ओके। यू कैन सी दैट टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन टू कॉन्सोनेंट फोर सी टू, फोर सी टू, एंड देन थ्री वोवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन फोर सी थ्री वेज, फोर सी थ्री वेज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स एंड थ्री वोवल्स, दैट इज फाइव पी फाइव, दैट इज फाइव पी फाइव। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फोर सी टू इंटू फोर सी थ्री इंटू फाइव पी फाइव। वेल सॉल्विंग दिस, जब इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी वॉट, फोर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर टू फैक्टोरियल, फोर सी थ्री फोर, फाइव फैक्टोरियल फाइव माइनस फाइव दैट इज जीरो फैक्टोरियल, फोर इंटू थ्री इंटू क्या होगा टू फैक्टोरियल, तो ये वाला जो टू फैक्टोरियल था ये कैंसिल हो गया, टू फैक्टोरियल को आपने लिखा टू, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट, टू टू जा फोर, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी, इट विल बी टू डबल एट जीरो, इज इट क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 21, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फोर गर्ल्स एंड सेवन बॉयज, एक ग्रुप है जिसमें फोर गर्ल्स है और सेवन बॉयज है। In how many ways can a team of five members be selected if the team has no girl, at least one boy and one girl, at least three girls? तो क्या कहा जा रहा है आपको? एक ग्रुप है जिसमें फोर गर्ल्स है और सेवन बॉयज है, फोर गर्ल्स हैं और सेवन बॉयज। In how many ways can a team of five members be selected? अब आपको four girls और seven boys में से five member की team select करनी है। If the team has no girl, ये तो simple है। अब in how many ways it can be selected if the team has no girl? अगर कोई भी अगर team में कोई लड़की ना हो तो कैसे select करोगे? Simple है, सारे के सारे member जो होंगे वो boys होंगे, that is 7C5, selection हो रहा है, combination। एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, एटलीस्ट में मैंने क्या बताया था, कम से कम एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए। अगर एक लड़का लेते हो या फिर चलो गर्ल्स कम है तो गर्ल्स से स्टार्ट करते, अगर कम से कम अगर एक लड़की अगर होगी तो बॉयज कितने होंगे, फोर एटलीस्ट है, मैंने कहा था मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हो। तो देखो दोनों में जो कम है मैंने उसको लिया, वहां से स्टार्ट किया। अब मैं गर्ल्स को वन से लेके फोर तक लेके जाऊंगा, तो अगर टू गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे, थ्री, थ्री गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे, टू,
और अगर फोर गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे, वन। आपको वन और फोर ये दोनों ही चाहिए, तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, बट इन सभी के बीच में क्या आएगा प्लस, पहले बताओ ये क्लियर हुआ तो हम सब करो। इज इट क्लियर देवा? ओके फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज एटलीस्ट थ्री गर्ल्स। एटलीस्ट में मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम तक जाना होता है कि कम से कम थ्री गर्ल्स तो होनी चाहिए, तो अगर थ्री गर्ल्स होगी तो बॉयज कितने होंगे, टू। मैक्सिमम कितनी गर्ल्स हो सकती है, फोर, तो फोर गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे, वन, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस। ये तो था आपका कंसेप्ट। अब प्रेजेंटेशन कैसे शो करोगे, देखो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, फोर, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने है, सेवन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फाइव मेंबर्स इफ देयर इज नो गर्ल। अगर कोई भी लड़की नहीं है तो पांचों के पांचों मेंबर बॉयज में से सिलेक्ट होंगे, तो फोर सी जीरो, गर्ल्स में से तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, इंटू सेवन सी फाइव, एंड बाय सॉल्विंग दिस इट विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर सी जीरो की वैल्यू वन होती है, सेवन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल सेवन माइनस आर दैट इज टू फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी सेवन सिक्स फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल मीन्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, तो बेसिकली इट विल बी 21। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा आपका 21। सेकेंड पार्ट में क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइव मेंबर सिलेक्टिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ फाइव मेंबर व्हिच हैव एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। देखो सेवन बॉयज है और फोर गर्ल्स, एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम अगर एक लड़का होगा तो चार गर्ल्स सिलेक्ट होगी, क्योंकि टोटल आपको फाइव मेंबर्स की टीम बनानी है। टू बॉयज तो थ्री गर्ल्स होनी चाहिए, थ्री बॉयज तो टू गर्ल होनी चाहिए एटलीस्ट, फोर बॉयज तो वन गर्ल, और अगर फाइव बॉयज होंगे तो एक भी लड़की, ये आपका सारा केस बन। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से मैक्सिमम तक जाना, कम से मैक्सिमम तक जाना। समझ में आ गया ये केस, इज इट क्लियर? तो देखो वन बॉय है फोर गर्ल, उसने क्या कहा, कम से कम एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए कम से कम, तो ये वाला केस क्या पॉसिबल है, बोलो भाई क्या ये वाला केस पॉसिबल है? नो सर। Why? Because कम से कम एक लड़की होना जरूरी है और यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है, तो हमारे पास ये फोर पॉसिबल केसेस होंगे और सबके बीच में क्या है चॉइस, तो सेवन सात में से एक लड़का सिलेक्ट करोगे, सेवन सी वन इंटू फोर सी फोर, सेवन सी टू इंटू फोर सी थ्री, फिर सेवन सी थ्री इंटू फोर सी टू, फिर प्लस 7c4 into 4c1। जब इसको सॉल्व करोगे देखो सेम वैल्यू पर कॉम्बिनेशन होता है 1, और अगर बेस पे 1 हो तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू वही होती है जो अपर वैल्यू होती है, 7c1 हो गया 7, 4c4 हो गया 1, 7c2 को सॉल्व करोगे 7 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल दैट इज 2, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, 4c3, 4c3 की वही वैल्यू होती है जो 4c1 की होती है। आपने पढ़ा था ना एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो मैंने क्या कहा अगर बेस में वन हो तो वैल्यू क्या होती है ये, तो फोर सी थ्री की वैल्यू भी क्या होगी, फोर, फोर सी थ्री क्या हो गया आपका फोर, फिर अगेन सेवन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल सेवन माइनस थ्री फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल फोर माइनस टू टू फैक्टोरियल प्लस सेवन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल सेवन माइनस फोर थ्री फैक्टोरियल, बेस में वन है दैट इज फोर, that is while solving this what we will have it will be 7, इसको solve करोगे तो ये आएगा 7 into 6 by 2 into 4, while solving this ये होगा आपका 7 6 5, जो 4 factorial होगा वो इससे cancel हो जाएगा, 3 factorial हो जाएगा 3 into 2 into 1, इसको ओपन अप करोगे 4 इंटू थ्री, टू फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा और ये टू फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1,